मैं कौमी प्रधान गुरदीप सिंह ढिंगी आल इंडिया किसान मजदूर दल वालों जिहड़ा संघर्ष चलता दिल्ली दे विच किसानां दा ते मजदूरां दा हरेक वर्ग दा उन्हां लैके भारत सरकार दे खिलाफ उन्हां देसी पूरी आल इंडिया किसान मजदूर दल वालों पूरी जोर तों हमायत करदे आं। जिहड़ी भी भारत सरकार ने काले कानून बनाए ने 3-4 उन्हां नूं तुरंत वापस लिया जावे। जे बहुत धक्का हो रहा जे आने वाले समय च यह जरा अंदोलन है किसान के मजदूर का व्यापारियों का सारे वर्गों का जे ना इन्होंने समझौता कर वापस लै तो हिंदुस्तान क्यों आल वर्ल्ड फैल सकता। इस करके सारी जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी। जेडी भी उत्थे कोई बंदे की डेथ होंगी सारी सरकार केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है उन्होंने जरा मुआवजा देना चाहिए उन्होंने कानूनी बनती है दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती है गल की वो ए वल ध्यान दे किसान वाल समय चो जे इन्हों की गल ना जथे बंद सुनी तो आल इंडिया जी किसान मजदूर दल आपके जथे लैके ये भी आने वाले दिनों के दिल्ली पहुंचू तो भारतीय किसान जिन्हें जिन्हें हिंदुस्तान के जथेबंद ने उन्हें मोटा मोटा ला के खड़ूगी जिस करके सारी असी ए अज मैं फिर इस गल की जोरदार मंग करता जेडे पंजाब सरकार किसानों मजदूरों धक्का करती है वह तुरंत उन्होंने वापस लिया जाए कानूनों। मैं गुरवीर सिंह पठाला कौमी जनरल सकत्तर आल इंडिया किसान मजदूर दल मैं भारत सरकार को बेनती करदा कि उसने जो जनता के खिलाफ किसानों के खिलाफ आ काले कानून बनाए हैं इन्हों जल्द से जल्द वापस लवे। अगर नहीं लेंदी तो यह दिनों दिन अंदोलन बढ़ता जाएगा पूरे देश में फैल जाएगा जिसकी जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी। और जो उत्थे लोग शहीद हो रहे हैं ठंड के कारण या किसी भी कारण उन्होंने बनता मुआवजा देना चाहिए सरकार नूं उन्हां दे परिवारां नूं नौकरियां भी देनियां चाहीदियां हन। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु फतेह। मैं मीत प्रधान मजदूर किसान आल इंडिया दा मीत प्रधान कमिकर सिंह खालसा बेनती है भारत सरकार नूं जो कि तकरीबन 5-6 महीने तो जे काले कानून का संघर्ष लड़िया जा रहा है और तकरीबन छोटे बच्चे तो लेके बड़े बजुर्ग तक इस संघर्ष के इन्नी ठंड सहते कह दर्द सहारते हुए संघर्ष के बैठे न पर समय दलम सरकार फिर भी नहीं समझदियां कि जिस तरह एक घर के आगू की जिम्मेवारी होंगी है इस तू घर की हरेक चीज का पता होंगे भी मैं आ चीज देनी है समय सर बच्चों या परिवार को। इसी तरह जो देश का प्रधानमंत्री आनु भी इसी तरह एक आपका परिवार समझ के सारा कुछ देख के भी मेरे देश को की चाहिए कितने मेरी जनता भुखी मरती है कुछ भी होंगे वह दर्द न महसूस करके जो भी देश का देने का हक देने की कृपालता करे नहीं तो संघर्ष पता नहीं किन्ना सिर चलेगा। आप जी ने जो पिछला इतिहास बोलिया जाए तो भगत सिंह होना वाले यही संघर्ष 9 महीनों तक लड़िया गया सीगा पर फिर भी पंजाब के योद्धा ने तो काले कानून वापस करवा के दम लिया। धन्यवाद जी।